इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हम आज आपके सामने ले खड़े हैं, ये कैसे चलेगा बैरी ऑर्चर्ड के अंदर? क्यों चलेगा? कहां से आएगा इसके लिए सारा कस्टमर? हम एज ए डेवलपर सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक नहीं रहते, हम बिल्डिंग को चलाने का सबसे पहले सोचते हैं कि यार ये बिल्डिंग बन तो जाएगी, कोई भी बिल्डर बना लेगा, लेकिन उस बिल्डिंग को चलाना कैसे है? सबसे पहले इन चीजों का जवाब ढूंढते हैं और फिर बिल्डिंग की डिजाइनिंग शुरू होती है। टोटली एलडीए के बायलॉज के ऊपर बेस्ड हमने ये बनाई है। बैरिया ऑर्चर्ड के लिए और उसकी सराउंडिंग की तमाम सोसाइटीज के लिए ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हारिस में बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्चिंग हो गई है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंशिया की, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा मार्केट में था। 26 फ्लोर की ये जो है वो टावर्स बनने के लिए जा रहे हैं और इसका काफ़ी चर्चा था मार्केट के अंदर कि कब इसकी लॉन्चिंग होगी, कब इसकी प्राइसेस जो है वो रिवील होंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्राइसेस भी रिवील हो गई हैं, प्लस इसकी लॉन्चिंग भी हो गई है प्रॉपरली। आप लोग इसकी बुकिंग करवा सकते हैं इस वक्त। और मैं आपको बताता चलता हूँ कि आज एक बहुत शानदार किस्म का जो है वो ब्रीफिंग दी गई है अंजू भट्टू के साहब की तरफ से, जो कि सीईओ हैं क्यू लिंक्स के, और वो भी आपके साथ इसी वीडियो में आप देख सकेंगे कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ब्रीफिंग दी है, वो भी आगे चल के आप लोग देख सकेंगे। मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये 26 फ्लोर की जो है वो बिल्डिंग बनने के लिए जा रही है, कि जो कि ये साउथ लाहौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और इवन अगर पूरे लाहौर के अंदर ही बात करें तो इस वक्त इस हाइट की बिल्डिंग जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। कुछ हैं वो 17-18 फ्लोर तक अभी गई हैं, तो ये 26 फ्लोर तक जा रही हैं, जिसके अंदर आपको कमर्शियल मिल रहा है, जिसके अंदर आपको ऑफिसेस मिलेंगे, और इसी तरीके से आपको फूड कोर्ट मिलेगा प्रॉपर, स्विमिंग पूल, हर चीज़ मतलब कि जो हम इमेजिन कर सकते हैं। इवन अगर आप इसकी एलिवेशन भी देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड की जो है वो एलिवेशन है। और इस एलिवेशन के बारे में जो अंजू भट्टू साहब ने बताया है, तकरीबन इस एलिवेशन को फाइनलाइज करते हुए एक साल का वक्त जो था वो इनको लगा है। छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती थी, इवन ग्लास कौन सा लगाना है, ये हीट ना आए, हीट रेजिस्टेंस ग्लास, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इस चीज़ में डिस्कस किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो गया है, और इंशाल्लाह ताला इसका फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी इसकी जो है वो 6 फ्लोर्स को जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि प्री लॉन्च प्रोसेस में है। आप फ़ायदा उठा सकते हैं इससे, जिस तरह की आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा था कि अर्जुन साहब ने खुद बताया था कि ये प्री लॉन्च प्राइसेस हैं, और आफ्टर लॉन्चिंग में जो है वो प्राइसेस डेफिनेटली फिर इंक्रीज़ कर जाएंगे। और प्री लॉन्च प्राइसेस के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि 27 लाख रुपये से सिर्फ स्टार्ट हो रहे हैं, 27 लाख रुपीज़ से जो है वो स्टार्ट हुई हैं इसकी प्राइसेस, तो बहुत ही मिनिमम है। जो इसके पार्किंग का एरिया है वो तीनों बेसमेंट्स और जो आउटर साइड वाला एरिया है वो सारा का सारा पार्किंग के लिए रख दिया गया है, और बाकी फिर ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो है वो अभी लॉन्च किए गए हैं। इन फ्यूचर जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो रेजिडेंशियल है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर जो है वो लेविश किस्म के जो अपार्टमेंट्स होंगे। और जस्ट अभी टोटल प्राइस जो है वो 27 लाख रुपीज़ है, और जस्ट आपने अभी 30% जो है वो डाउन पेमेंट देनी है, उससे आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बड़ी शॉप चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर चाहते हैं, तो उसकी प्राइस डिफरेंट है, वो आपके साथ आप मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो को एंजॉय करें और आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आगे जो है वो अंजुम साहब की कुछ ब्रीफिंग है, उसके भी कुछ क्लिप्स हैं, वो आप देख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप हमेशा की तरह हमारे बड़े थोड़े से टाइम के जो नोटिस है उसके बावजूद इतनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए, और मेरा जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरी खुशी का, सिर्फ आपको अगर मेरे चेहरे की जो रंगत है वो बता रही होगी कि मैं इस फैमिली को माशाल्लाह इस साइज में देख के कितना खुश हूँ। जो सोचा था ये इंशाल्लाह उसके मुताबिक डिलीवर होगा और अल्हम्दुलिल्लाह होगा। प्रोजेक्ट के मुताबिक जो तारिक साहब ने जितनी डिटेल में आज इनको ख़ास तौर पर जो बुलाने का मकसद था वो ये था कि प्रोजेक्ट के अंदर हम कितनी डेप्थ में जाके काम करते हैं ये आप तक पहुँचे। क्यू लिंक्स जब कोई प्रोजेक्ट प्लान करती है ना, उसमें
खास तौर पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बन के मार्केट में आएगा और इसमें लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे तो उनको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किस तरह का कस्टमर आएगा उनके पास, क्या डिमांड करेगा उनसे, क्यों आएगा उनके पास। सबसे पहले ये क्वेश्चन कि आएगा क्यों, और भी तो कमर्शियल मार्केट्स है ना आसपास। जैस्मिन मॉल बनाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपने दिमाग में ये किया था कि क्यों आएगा कस्टमर सारी मार्केट छोड़ के हमारे पास। तो उसके लिए फिर डिज़ाइन के अंदर, फिर एम्बियांस के अंदर, फिर इंटीरियर के अंदर इस तरह की चीज़ों को ऐड किया जाता है कि जो कस्टमर एक दफ़ा आए वो बार बार उसको आने का दिल करे। आप यकीन करें, जब एम्पोरियम मॉल बन रहा था ना यहाँ पे, तो जैस्मिन मॉल हम चला रहे थे तो हमें लगा कि यार इतना बड़ा मॉल हमारे नज़दीक बन जाएगा तो हमारा तो शायद प्रोजेक्ट बैठ जाए, मतलब एक वहम आता है इंसान को। आप यकीन करें कि एम्पोरियम मॉल ओपन हुआ, पहले महीने में हमें कोई असर नहीं आया, दूसरे में, तो लगातार हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा था। अच्छा, जब हमने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की कि इसकी क्या वजह है, तो समझ ये आई कि कस्टमर जो अपने नियरेस्ट, क्योंकि देखिए आपकी जो फैमिली की शॉपिंग है ना, उसका 95% स्पेंडिंग जो है वो आपकी फीमेल के हाथ में है। आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स, वो खर्च करती हैं फैमिली का जितना भी बजट है। अब वो आपके साथ जब घूमने जाते हैं या आप खाना खाने जाते हैं बड़े मॉल्स में, तो वो वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं और वही ब्रांड्स अगर यहाँ पे बहरिया टाउन में अवेलेबल हैं तो उनकी कोशिश होती है वो शॉपिंग वहाँ से करें, अपने बहरिया टाउन के अंदर जो शॉप्स अवेलेबल है वहाँ से करें, क्योंकि उनको चेंज करना, एक्सचेंज करना, वापस करना, फिर एक उनका आते जाते एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है कि हमें गलत चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कस्टमर सोचता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ जब मूव किया, तो पहला प्रोजेक्ट आपको पता है ब्रॉडवे हाइट्स जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि उस लोकेशन के ऊपर मुझे आज भी याद है कि हम पांच भाई जब इकट्ठे विजिट करने गए तो पांचों में से सिर्फ मेरा ख्याल है कि अकेला मैं ही था कि जो उसके बारे में कह रहा था कि नहीं ये कामयाब हो जाएगा, बाकी चार भी खड़े होकर उन्होंने कहा कि यार तुमने ना गलत फैसला कर लिया, फंस गए हो तुम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कह लें कि कन्विंसिंग पावर थोड़ी डिफरेंट दी है, अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है। मैंने इनको सबको बातें की, समझाया, तो इन्होंने सब ने एग्री किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि वो बहरिया ऑर्चर्ड का कामयाब तरीन कमर्शियल है। वहाँ पे सबसे अच्छे ब्रांड्स, बैंक्स, बिजनेसेस, यानी जो रिटेल मार्केट है हमारी सुपर मार्केट, वो वहाँ की सबसे बड़ी सुपर मार्केट है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारी इन डेप्थ वर्किंग है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हम ये आज आपके सामने लेके खड़े हैं, ये कैसे चलेगा बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, क्यों चलेगा, कहाँ से आएगा इसके लिए सारा कस्टमर, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्किंग हुई। और जब ख़ास तौर पे ये जो कनेक्शन आपका बिल्ड हुआ है जाति उमरा रोड के साथ, रायविंड रोड का, ये उसके जंक्शन पे वाक़ आप सबको पता है कि बहरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 2 और बहरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 6 ये उस रोड के ऊपर है। यानी आप बहरिया ऑर्चर्ड के गेट नंबर 1 से एंटर हो जाएं, 2 से एंटर हो जाएं, अगर आपने जाति उमरा रोड की तरफ जाना है तो आप इसी के आगे से गुजरेंगे। ये जो लिंक है ना, ये फ्यूचर में मैं अगर इसकी मिसाल देना चाहूँ तो इस टाइम पे लाहौर का जो भी मसरूफ़ तरीन रोड आपकी नज़र में है ना, आप अगले 3 से 5 साल में इसको वहाँ पे देखेंगे। आपको भी पता है, आप सारे माशाल्लाह काम करने वाले लोग हैं, कि जाति उमरा रोड के ऊपर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट के अंदर किस तरह के लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, वहाँ पे जो जॉब्स करते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ के जो ऑफिस के अंदर, वो सारे के सारे बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी भी जो कामयाबी है वो इन्हीं एरियाज़ की वजह से है कि वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल। देखें, एक किसी भी बड़े एरिए की जो कामयाबी होती है वो कैसे होती है कि आपको तमाम चीज़ें वहीं पर मिल जाएँ। आज से अगर हम 5 साल पीछे चले जाएँ तो बहरिया टाउन में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लोगों को बाहर जाना पड़ता था, जौहर टाउन जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए, और बहुत सारी दूर जगह पे गुलबर्ग जाना पड़ता था। आज आसपास की सोसाइटीज़ के लोग बहरिया टाउन में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यही चीज़ है, एक बड़े एरिया जब डेवलप हो रहा होता है तो उसकी जो बड़ी कमर्शियल मार्केट्स हैं जो एक हब बन जाती हैं, वो फिर आसपास के तमाम छोटे इलाकों को, यानी आप ये देखें कि बहरिया ऑर्चर्ड से आप अगर ऑनवर्ड ड्राइविंग रोड की तरफ चले जाएं तो आप कितनी आबादियां आगे, और वहाँ सब में आबादी बढ़ रही है। यानी मैं इसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से दूंगा कि बहरिया टाउन में जो जैस्मिन मॉल हमने प्रोजेक्ट बनाया, तो इजी मार्ट इसमें ओपन किया सबसे पहले हमने।
अब जो उसकी सेल हमारी मिसाल के तौर पे अगर 2 रुपए थी उस वक्त शुरू में, एक सिंगल प्रोजेक्ट था, हमारे अलावा 2-3 छोटे और स्टोर्स थे, तो अब बहुत सारे बन गए, तो अब तो हमारी सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप यकीन करें वो सारे प्रोजेक्ट्स भी और हमारा प्रोजेक्ट भी 10 गुना ज़्यादा सेल कर रहा है इस टाइम। किस वजह से? कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यानी मैं आपको अपने जो एक हमारी जो वर्किंग है इस एरिए में, जितनी तेज़ी से आपकी रेजिडेंशियल आबादी बढ़ रही है, कमर्शियल एक्टिविटी उससे हाफ पे चल रहे हैं। इसीलिए आप देखें जो भी चीज़ बनती है वो कामयाब होती है। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट जो प्रोफेशनली बना हो, बैरियर टाउन में कोई ब्रांड आया हो, कोई रेस्टोरेंट किसी ने बनाया हो, किसी ने कोई सुपरमार्केट बनाई हो, किसी ने कोई स्टोर, मुझे उसकी नाकामी दिखा दें, सिवाय इस वजह से कि अगर उसने प्रोफेशनली उसको हैंडल नहीं किया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसने उसको प्रोफेशनली हैंडल किया तो मुझे कोई एक प्रोजेक्ट देख बता दें कि वो बंद हुआ हो। ये है आबादी का, जो रेजिडेंशियल आबादी जितनी तेज़ी से आपके इन एरियाज़ में बढ़ रही है, ये उसकी वजूहत है असल में, कि जितने भी स्टोर्स आ जाएँ, जितनी भी चीज़ें आ जाएँ, लेकिन उसके बावजूद आपकी जिस तेज़ी से आबादी आ रही है ये उसके मुकाबले में हाफ डेवलपमेंट है अभी मैक्सिमम। दूसरा मैं बात करूँगा बहरिया ऑर्चर्ड का जो कमर्शियल है और जो ओवरऑल उसका सारा स्ट्रक्चर है आपके। अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि जी अगले 2 से 3 साल के अंदर उसकी जो प्राइसेज हैं ओवरऑल कमर्शियल की, वो आपके टाउन से आगे चली जाएंगी, तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये अंजू भाई पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये आप ये टाइम भी नोट कर लें, ये वक्त भी नोट कर लें और ये मेरी बात भी नोट कर लें और लिख के रख लें कि अगले आने वाले 2 से 3 साल, इसमें 1 साल 2 साल का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपके ऑर्चर्ड का जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो टाउन से बढ़ जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी कनेक्टिविटी है, जो स्ट्रक्चर रोड के ज़रिए रिंग रोड के ऊपर, यानी आप देखें कि जिस दिन अड्डा प्लॉट से, यानी लेक सिटी के गेट से लेके और रायवंड सिटी तक आपकी ये रोड जो कि अप्रूव्ड हो चुकी हुई है, रायवंड रोड 2 रोया सड़क जिस तरह लेक सिटी तक बनी है, इसी तरह रायवंड सिटी तक ये अप्रूवल हो चुकी हुई है। बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ रिसेंटली देखी भी होगी। वो जिस दिन आपकी बन जाती है, आपका जो कस्टमर इस टाइम लेक सिटी तक स्टक हो गया होगा, यानी लेक सिटी की प्राइसेस अगर पिछले 2 से 3 साल के अंदर देखें तो आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। यानी इस टाइम पे इस एरिया का सबसे महंगा कमर्शियल प्लॉट लेक सिटी में है। मेरी इस बात के अगर किसी को इख्तलाफ है तो हाथ खड़ा कर दे, यानी मेरी बात ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताएं कि लेक सिटी से अगर ये 2 रोया सड़क आपकी रायवंड सिटी तक कम्प्लीट हो जाती है तो क्या अड्डा प्लॉट से टाउन नज़दीक है या आपका ऑर्चर्ड नज़दीक है? ऑर्चर्ड नज़दीक है और इजी एक्सेस है। तो ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमने जो प्लान किया है, अगर ये इसकी मैं खसूसियात तो खैर तारिक साहब ने माशाल्लाह बहुत सारी बता दी है, मैं थोड़ा सा इसको कमर्शियल हवाले से आपको बता दूंगा। जो मकसद था मेनली कि रिटेल के अंदर जिस तरह से आपको अमजद साहब ने बताया कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक अल्लाह ताला ने एक फ्यूजन दिया हमें कि हम एज ए डेवलपर सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक नहीं रहते, हम बिल्डिंग को चलाने का सबसे पहले सोचते हैं कि यार ये बिल्डिंग बन तो जाएगी, कोई भी बिल्डर बना लेगा, लेकिन उस बिल्डिंग को चलाना कैसे है, सबसे पहले इन चीज़ों का जवाब ढूंढते हैं और फिर बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग शुरू होती है। इसी वजह से जब आपके सामने इसके फ्लोर प्लान आएंगे तो आप देखेंगे कि उस फ्लोर प्लान के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम हमने किया है, एक ख़ास तौर पर जो तारिक साहब ने आपको जिक्र किया है, टोटली LDA के बायलॉज के ऊपर बेस्ड हमने ये बनाई है। अगर हम इसको बैरियर टाउन के जो अलाओ हमें वायलेशंस हैं या LDA की जो अलाओ वायलेशंस हैं जो हम जुर्माने के साथ उसको अप्रूव करवा सकते हैं, सिर्फ वो अगर हम इसमें डाल लेते तो आप यकीन करें 5 लाख स्क्वेयर फुट एक्स्ट्रा निकलता है हमारे पास फॉर सेलेबल, लेकिन उसमें बिल्डिंग के नाकामी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वजह क्या है? देखिए मैं एक जगह के ऊपर एक किनाल के प्लॉट को अगर 20 फिट की सड़क दूँ तो आप सब कहेंगे कि यार ये तो वैल्यूएबल प्लॉट नहीं है, एक किनाल का प्लॉट है, घर बनाना है, 20 फीट की सड़क है, सामने वाला गाड़ी खड़ी करेगा कि मैं खड़ी करूँगा? बहरिया ऑर्चर्ड के लिए और उसकी सराउंडिंग की तमाम सोसाइटीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा और इसी वजह से इसके अंदर हमने 3 फ्लोर बेसमेंट के रखे हैं जो कि डेडिकेटेडली पार्किंग और सुपर मार्केट ओनली। 3 फ्लोर इसकी जो अंडर बेसमेंट है जिसके अंदर अराउंड
400 के करीब पार्किंग प्लेसेज हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर की और अंदर की मिला के। उसके बाद जब हम आ जाते हैं ग्राउंड और फर्स्ट के ऊपर, ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स तमाम के तमाम इंशाल्लाह इन दो फ्लोर्स पे आएंगे। सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारा, आगे थोड़ा आगे चले जाएं, ये हमारे फ्लोर प्लान है इसके, वेडिंग गैलरी का सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के ऊपर वेडिंग गैलरी है, जिसके अंदर आपको पहले भी पता है जो हमारा कॉन्सेप्ट है जैस्मिन ग्रैंड मॉल का, सेम उसी तरह शादी ब्याह के जो कपड़े हैं, जो फॉर्मल क्लॉथिंग है, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल आपकी घड़ियाँ, ज्वेलरी, वो सारे के सारे इस फ्लोर पे। इसके बाद हमारा जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर किड्स सेंट्रल, तमाम बच्चों की जो ज़रूरियात है आपकी फैमिली की, वो सारी के सारी इंशाल्लाह इस फ्लोर पर पूरी होंगी। इसी तरह आगे चलेंगे तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको डिजिटल और मोबाइल सेंट्रल, जिसके अंदर आईटी से रिलेटेड तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस फ्लोर पर आपको मिलेंगे। ये एक नया आइडिया हमने, चूँकि आपको पता है कि ये एक न्यूली डेवलप्ड एरियाज हैं, तो बहुत सारी नीड्स घरों की डिकोर के हवाले से और फर्नीचर के हवाले से, चूँकि हमारे पास स्पेस मौजूद थी, एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट है, तो एक फ्लोर डेडिकेटेडली हमने डिकोर एंड फर्नीचर सेंट्रल के नाम से, ये ख़ास तौर पे तारिक साहब ने रिसर्च करके तो ये एक हमें सजेस्ट किया कि जी आप ये भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि पूरा एरिया न्यूली डेवलप्ड है और सारे के सारे घर बनने हैं और ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके बाद एक आइडिया जो बहुत देर से हम किसी भी प्रोजेक्ट में लाना चाह रहे थे, ये भी एक दुनिया में बहुत कामयाब और आप लाहौर में और पाकिस्तान के बड़े शहरों में बहुत कामयाबी से ये चल रहा है, ये को वर्किंग सेंट्रल है जिसके अंदर हम फुली फर्निश्ड ऑफिसेस, फुली फर्निश्ड ऑफिसेस होंगे, जिसमें हॉट डेस्क, उसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफिसेस, उसके अंदर बड़े मीटिंग रूम्स, ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। और ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा कमर्शियल के बाद इसके अंदर जाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो ये फर्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट में हम लेके आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जी सेवन्थ फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी आपको पता है हमेशा खुद चलाती है। हम अपने प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी को जज करने के लिए ना ये देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जो चलाने में मुश्किलात हो सकती हैं, यानी मैं उनको सेल तो कर दूं लेकिन वो लोग चला नहीं पाएंगे। उनमें सबसे पहले आपको पता है बेसमेंट है, सबसे ज़्यादा फ्लॉप होने के चांसेस बेसमेंट होते हैं। आपको पता है हम हमेशा बेसमेंट के अंदर सबसे पहले अपने आप को पेश करते हैं। अगर हमने सेल किया है तो गारंटेड रेंटल के साथ सेल करते हैं, अगर उसको ऑनरशिप में ले रहे हैं तो वहाँ पे सुपरमार्केट बनाएंगे। उसके बाद फूड कोर्ट सातवां फ्लोर है, वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता फुटफॉल कम हो तो उस फ्लोर के भी जो रनिंग एक्सपेंस है वो मुश्किल हो जाते हैं पूरा करने, तो उसको भी हम हमेशा खुद अपनी ऑनरशिप में रखते हैं, ताकि अगर शुरू वाले टाइम के अंदर हमें खुद इन्वेस्ट करना पड़े अपने प्रोजेक्ट के अंदर, लॉस में भी जा रहे हों तो ये पहले 6 महीने, साल, 2 साल वो अपने ऊपर बर्दाश्त करें, ना कि अपने इन्वेस्टर के ऊपर डालें कि जी अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं, बिल्डिंग की जितनी कॉर्नर्स, मुश्किल जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके अंदर हम अपने बिजनेस लेके आते हैं। ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस, जो आपके इन्वेस्टर, आपके कस्टमर और ब्रांड्स को एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार ये बिल्डिंग ये चले। उम्मीद है जी आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी, और बुकिंग करवाने का बहुत ही आसान तरीकाकार है, आप लोग इससे बुकिंग करवा सकते हैं। लाइक ये ओपन है तो इसमें आने की जरूरत नहीं है, आपके आईडी कार्ड की पिक्चर चाहिए होगी, नॉमिनी की आईडी कार्ड की पिक्चर चाहिए होगी और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको ये मिलेगी, अच्छी शॉप्स, अच्छी लोकेशन की शॉप्स को बुक करवाएं, कोशिश करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने टोकन्स दें और उसको लॉक करें डील को, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को अपडेट अच्छी लगी होगी। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हाय सिमत असिस्टेंट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। अल्लाह हाफिज़।